अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। अभी मैं घर आया हूँ, दोपहर का टाइम है ऑफिस से, और मैं पानी डालने के लिए ऊपर आया था तो मैं देखा ये एक बच्चा बैठा हुआ दीवार के ऊपर और इसे मुंह खोला हुआ है। ये देख लें, मैं खाली टंकी से पानी लीक हो रहा था, ये पानी देख के जो नीचे आया हुआ है। तो अभी मैं ज़रा पानी शानी फेंकता हूँ तो ये पानी के ऊपर सीधा डायरेक्ट ही अंदर ही आएगा, और ये देखना पानी को देख के गिरता कैसा उसके अंदर। तो ज़रा मैं इसको पकड़ने की ट्राई करता हूँ। तो वो बच्चा जो है नीचे से उड़ा और उड़ के ये इधर आके ऊपर बैठ गया। तो मैं तो नीचे से पानी की बोतल भरता हूँ और पानी की बोतल जो है भर के लेके जाता हूँ और यूँ फेंकूँगा, तो आप देखना ये पानी के अंदर सीधा ही गिरेगा। आप चेक करिएगा ये पानी के अंदर आता कैसा। ये देखें जी, ये है बच्चा, इसका गर्मी से हाल क्या हो रहा है, चेक करें आप। कोई खून उतर रहा है इसकी आँखों के अंदर। ये मैं नीचे पानी फेंक रहा हूँ, ये देखें ये पानी, ये देखें ये मैं फेंक रहा हूँ। तो इसने उड़ना है और सीधा ही पानी के अंदर जो है उतरना है। ये चेक करें, पानी को देख रहा है बड़े गौर से। मैं ऊपर जाके जरा बैठता हूँ सीढ़ियों में, धूप बहुत तेज है, मेरे से भी नहीं खड़ा होया जा रहा, तो इस बेचारे से कैसे खड़ा हो जाएगा। मैं ऊपर जाके बैठता हूँ। नहीं दोस्तों, मैं ऊपर तो आ गया हूँ, मैं पानी वाला बर्तन निकालता हूँ, निकाल के बाहर रखता हूँ और देखते हैं क्या बनता है। ले दोस्तों, मैं तो आ गया ऊपर, और ऊपर आके मैं ये कुर्सी के ऊपर बैठ गया हूँ, और ये इधर ही फिर दाना पड़ा, दाना फेंक के देखते हैं। अच्छा खासा नीचे बैठा हुआ था, बस मैं आया हूँ तो मेरी वजह से जो है ना ये डर गया। ये मैं दाना फेंका, कबूतर बाहर रहेंगे तो ये देख के इनको आएगा नीचे। गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा शदीद हो रही है, कोई थोड़ी गर्मी नहीं है, बंदे के धुएँ निकल रहे हैं तो कबूतर बेचारे का क्या हाल होगा। और दोस्त इस मौसम में उड़ा रहे हैं कबूतर, भाई कबूतरों की भी हिम्मत है जो इस मौसम में उड़ पड़ता है। बहुत डिफिकल्ट है भाई इस मौसम में कबूतर को उड़ाना। ये आराम से बैठा हुआ जी, ऐसा ऐसा उसको होश आने लग गया। ये खा रहे नीचे दाना शाना, तो जैसे ही नीचे आने लगता है ये ऊपर बैठता था, फिर वहाँ से जो है ना वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। नहीं मैं उठ गया हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि उड़ के जो है ना जाल के ऊपर बैठ जाए, उसको मैं ऊपर से फेंक लूँ नीचे अंदर, क्योंकि मेरे से भी नहीं अभी इधर जी और खड़ा होया जा रहा। इसको आर या पार करें या आ जाए या चला जाए जो भी होना। ये बैठा हुआ जी कबूतर, और पार इसने फेंके हुए हैं, मुँह इसने खोला हुआ है, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। पानी मैं उसको दिखाया पर ये पानी पर नहीं आया, तो मैं ऊपर से खोल लेता हूँ एक साइड का ये मुग, और इसको अंदर फेंकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऊपर जाने के कारण उड़ के जाल के ऊपर बैठ जाना। मैं हल्का सा हिलाऊंगा ना, जब नीचे से डरेगा तो ऊपर जाके बैठेगा। गर्मी बहुत शदीद है जी, ये जाएगा ऊपर। अब मैं इधर से हिलाता हूँ डंडा, इसको ऊपर लेके जाते, ये खुद ही जाने लगा, बल्कि मैंने क्या हिलाना। चल भाई शहजादे चला जा ऊपर, ये ऊपर जाएगा, ये कहीं जाएगा ना, बहरहाल इसमें जाना तो है ही। ये लें, ये चला गया ऊपर। ये लें दोस्तों, पकड़ा गया जी, आ गया। मैं बस स्टैंड इस टाइम मौजूद नहीं था, स्टैंड नीचे पड़ा था, जिसकी वजह से मैं स्टैंड पे नहीं लगा सका, और पकड़ लिया। मुँह उसने खोला हुआ, तो मैं इसका जो है ना आपको पकड़ के भी शौक करवा दूंगा, पर वो मैं शाम का करवाऊँगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी और मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस टाइम आपको पकड़ के दिखा सकूँ। ठीक है, तो मैं शाम को आपको पकड़ के दिखाऊँगा ये जो कबूतर पकड़ा है। ये है जी बच्चा जो कि दिन के टाइम पकड़ा था। अच्छा मुझे अभी इतनी हंसी सी आ रही है कि जब मैंने दिन को आया था तो उस टाइम धूप में, तो मैंने आपको कहा था इसकी आंखों से ऐसा लग रहा है खून बह रहा है, तो मैं भी अपनी जगह पे सच्चा था, ये येलो आंख का बच्चा है, और देखने में ऊपर ऐसा लग रहा था कि लाल सुर्ख आंख है इसकी और आंखों में से खून जो है ना नीचे गिर रहा है बस। ठीक है, तो उस टाइम ऐसा लग रहा था येलो आंख का बच्चा, किसी ने क्रॉस में जो है क्रॉस दिया, और हाई फ्लावर का सा क्रॉस है ये, और ये हाई फ्लावर लो फ्लावर का क्रॉस देकर जो बनाया गया है ये बच्चा है जी। ये जब मैं दिन को अपने ऑफिस से आया था तो ये आगे जो है मेरा इंतज़ार कर रहा था नीचे छत पे बैठा हुआ कि आप आके हाशिम साहब पकड़ लें मुझे। तो ये है बच्चा, ये इसका दूसरी तरफ का पर है। अच्छा, इसका पर तो बड़ा अच्छा पर है, पर इतना माड़ा नहीं है जी, पर सही है, और ये छोटी सी टेल का, और इसके मैं आपको ज़रा पंजे भी दिखा देता हूँ। ये हैं इसके पंजे, ठीक है, ये पंजे हैं। अच्छा, ये पंजों के दो कलर आ रहे हैं जी, पंजे जो हैं इसके दो कलर के अंदर। ये है बच्चा, इसको भी मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा पार बंद के, तो
तो हफ्ते भर इसके पर जो है आपने कबूतर जो है वो बच्चों सामने आपको पीछे नजर आ रहे होंगे बैकग्राउंड में, उनके साथ इसके पर खोल देंगे, उसको उड़ाएंगे, देखेंगे क्या करता है। तो ये है बच्चा जी जो कि आज आया है हमारे हाथ में, बड़ी गर्मी में आया है जी। इस गर्मी में तो कबूतर बेचारे के साथ बिजबुला में उड़ाना जी, क्योंकि बंदे से खुद नहीं खड़ा हुआ जाता तो कबूतर को बंदा क्या उड़ाएगा और उससे क्या रिजल्ट लेगा वो, क्योंकि बेचारे जो है उसको फौरन ही सांस चढ़ जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है जी। कबूतर ने आजकल तो पिंजरे के अंदर मुँह खोले हुए हैं तो बाहर तो क्या सूरत हाल होगी, ठीक है। तो मेरे से भी आजकल कबूतर मैनेज करना थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मैं किसी नई वीडियो के साथ मिलूंगा, किसी नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, नए कबूतरों के साथ मिलूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू एम्मा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।